हे हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास सीड्स एंड सीड्स। सो वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो ऑल दीज थिंग। आई थिंक आई हैव टू डिस्कस दीज पॉइंट डिस्कस। सो देयर आर थ्री पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई। आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बनाने से पहले, जिनको बनाने से पहले सोक की जाती, भिगोई जाती हैं और क्यों। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर हाउस दैट आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, जस्ट लाइक चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा। व्हाई दे आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, बिकॉज आफ्टर सोक्ड दे बिकेम सॉफ्ट एंड वी कैन ईट आफ्टर व्हेन दे बिकम सॉफ्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे घर में, जब जो चना है, मूंग है, राजमा है, सोयाबीन है, राइसेस हैं या पल्सेस हैं, इनको सबसे पहले भिगो लेते हैं, क्योंकि भिगोने के बाद ये क्या सॉफ्ट हो जाती है, और जब सॉफ्ट हो जाती है तो हम लोग इनको क्या, एक तो आराम से ये कुक, इनको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और इसके बाद ये जो सॉफ्ट हो जाती है तो हम इसको खा भी सकते हैं। तो ये दोनों रीज़न, एक तो फर्स्ट रीज़न क्या कि ये जल्दी से पक जाती हैं, और नेक्स्ट है कि भिगोने बाद, सोक होने बाद ये क्या हो जाती हैं, ईटेबल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्प्राउटेड होने के बाद, अंकुरित होने के बाद जिनको आप खाते हैं, हाउ आर दे स्प्राउटेड, वो कैसे अंकुरित होते हैं, हाउ मच टाइम डज इट टेक, और उनको अंकुरित होने में कितना टाइम लगता है। सो वी ईट चना, मूंग आफ्टर स्प्राउटिंग, और इनको स्प्राउट होने में फर्स्ट दीज आर सोक्ड इन वाटर, सबसे पहले हम इनको क्या वाटर में सोक करते हैं, एंड देम रैप्ड इन द वेट क्लॉथ, और फिर हम इनको एक गीले कपड़े में बांध कर रख देते हैं या टांग देते हैं। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक, ये कितना टाइम लेते हैं। तो आई थिंक चना टेक्स अबाउट 30 to 40 hours, चना जो है लगभग 2 to 3 days लेता है स्प्राउट होने में। और अगला नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई। क्या किसी डॉक्टर ने या किसी और ने आपको कभी स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है, अगर हाँ तो क्यों। तो जब लोग हम घर में, अभी जो पिछला, अभी हम लोग इससे पहले जो वीडियो में डिस्कस करे थे, जो गोपाल की आंट थी, तो उनकी मम्मी ने कहा था कि अच्छा ओके फाइन, जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास है चना, हम वो आपकी आंट को दे देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी है कि स्प्राउट चीज़ खाने को। तो आपके भी घर में जो आप लोग को भी कहा जाता है कि स्प्राउट चीज़ खाने के, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, ये जो स्प्राउट्स होते हैं, जो अंकुरित चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है डू दिस एंड फाइंड आउट, आपको ये करना है, और इसमें जो क्वेश्चन है या ये टेबल है इसको आपको ही फिल करना है। तो क्या करना है, ये हम इससे पहले जो पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं आपको एक एक्टिविटी करनी, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको कैसे करना है। तो डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास फोर्थ यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन। क्या आपको याद है कि क्लास फोर्थ में हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी, जिसमें हम लोगों ने घर में चने सो किए थे, और स्प्राउट्स होने के बाद हम लोग इसको स्कूल लेके आए थे, और फिर उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो अब एक और दूसरी एक्टिविटी करना है हम लोग को, कैसे करना है। टेक सम चना एंड थ्री बाउल्स,
आपको कुछ चने लेने और 3 कटोरियाँ ले लेनी है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर। आपको पहले कटोरी में क्या 5 चने लेने और उसमें पानी भर देना है। नेक्स्ट जो बाउल से उसमें क्या करना है, पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनाज इन इट, मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। अब आपको दूसरे कटोरी में क्या करना है, आपको एक गीला कपड़ा लेना है और उसमें उतने ही अमाउंट मतलब 5 चने उसमें भी रखना है और इसके बाद उसको बांध देना है और कोशिश ये ध्यान देना कि आपको जो कपड़ा है वो गीला ही रहे, वो वेट रहे, सूखने ना पाए। तो बीच बीच में आप उसको स्प्रिंकल करते रहिए उसमें वाटर, थोड़ा सा पानी छिड़कते रहिए। और जो थर्ड बाउल में क्या करना है आपको, पुट सम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, कवर ऑल द 3 बाउल्स। अब आपको तीसरे जो बाउल्स में उसमें क्या करना है, आपको बस 5 चने रख देना, उसमें आपको कुछ नहीं करना, ना आपको उसमें पानी डालना है, ना आपको उसमें कोई गीला कपड़ा डालना, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ऑब्जर्व आफ्टर 2 डेज एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल। और आपको 2 दिन तक उसको ऑब्जर्व करना और 2 दिन बाद ये जो टेबल है उसमें जो आपके बाउल्स में जो चेंजेज हुए हैं, जो जो उन चना में चेंजेज हुए हैं उनको लिखना है। तो ये जो टेबल है वो हम अभी नहीं करा रहे हैं, जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तब आपको ही इसको फिल करना है। और जब आप इसको फिल कर लेंगे तब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से चने में स्प्राउट्स हुआ, किस कटोरी वाले चने में स्प्राउट्स हुआ, किस में नहीं हुआ, और जिसमें नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या जिसमें स्प्राउट्स हुआ तो क्यों हुआ, और किस कटोरी में सबसे पहले स्प्राउट्स हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग तब डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग ये एक्टिविटी करिएगा और इसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन होते इसी टेबल में आपको फिल करना है। टेल एंड राइट है, ये भी जब आप एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे तब आपको लिखाया जाएगा। और नेक्स्ट, हाँ, आपको ड्रॉ, अब आपको अपनी कॉपी में एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। कौन सी, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको जो आपका स्प्राउटेड चना है उसको अच्छे से देखना है और उसके बाद उसकी एक ड्राइंग बनाना है। तो आपको स्प्राउटेड चना की एक ड्राइंग बनाना है अपनी कॉपी पर, ठीक है। ओके, फिर अगला है प्रोजेक्ट, ये आपको प्लांट योर सीड है तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसको मैं असाइनमेंट में दे दूंगा। और ये बाकी चीज़ें भी आपको उसी प्रोजेक्ट, जब आप ये प्रोजेक्ट करेंगे जैसे अभी है तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसे ये प्रोजेक्ट करना है और उसमें आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी फिल करनी रहेंगी। फाइंड आउट ये भी उसी समय जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा और डिस्कस भी उसी टाइम होगा। और अब मेरे हिसाब से, हाँ, ये नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स विच हंट। तो हम लोगों ने जब डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो टारगेट ऑफ द चैप्टर, उसमें एक टर्म यूज किया था जो सबसे लास्ट पॉइंट था अबाउट द कार्निवोरस प्लांट। तो कार्निवोरस प्लांट के बारे में हमें जानना था तो हमने उस टाइम बताया था कि कार्निवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब वो अपना भोजन किससे बनाते, इंसेक्ट्स को खाकर उनके प्रोटीन्स से वो लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो उसी कार्निवोरस प्लांट के बारे में इसमें आपको बताया गया, प्लांट्स विच हंट, मतलब वो पौधे जो हंट करते हैं, जो शिकार करते हैं। तो देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप्ड एंड ईट फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। तो हमारे पास कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो ट्रैप करते हैं, शिकार के लिए जाल बिछाते हैं और उनको ईट भी खाते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, इंसेक्ट्स हो गया और इवन माइस, यहाँ तक कि माइस तक को, मतलब एक बड़े जो जीव को भी ये लोग खा सकते हैं। द पिचर प्लांट, ठीक है,
जो पिचर प्लांट है उसी एक कैटेगरी में एक प्लांट है, प्लांट्स का नाम पिचर है, और नेपथनीस इज वन ऑफ सच प्लांट, एक ऐसा ही प्लांट है। ठीक, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये इन ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और जो अपने इंडिया में मेघालय की तरफ पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाई अ लीफ, और इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, एक पिक्चर की तरह होता है, और ये एक पत्ती से ये कवर्ड होता है, जैसे इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ये पत्ती है, इससे ये कवर्ड है। द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट, और जो ये प्लांट है इसके पास कुछ स्पेशल स्मेल होती है, इसकी कुछ स्पेशल इसकी सुगंध होती है, जिससे जो कीड़े हो वो इंसेक्ट हैं जो अट्रैक्ट होते हैं। When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out for a clear way to hunt. और जब इंसेक्ट आते हैं और इसके माउथ में क्या जाते, तब इसका ये क्या ट्रैप्ड हो जाते, इसके शिकार हो जाते हैं, और जब ये अंदर जाते हैं तो इसके बाद ये बाहर नहीं आ पाते, और ये अंदर ही अपना क्या, ये अंदर ही अपना डाई हो जाते, मर जाते हैं। और इस तरह ये अपना जो पिचर प्लांट है वो अपना शिकार करता है। तो और बहुत से सारे हैं प्लांट्स जो हमारे इंडिया में है या अदर हैं, तो उन सबको आपको फाइंड करना है। ये आज आपका होमवर्क है कि फाइंड सम अदर कार्निवोरस प्लांट एंड ट्राई टू नो अबाउट दैट प्लांट्स। तो बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि और कौन कौन से जो प्लांट्स होते हैं उनके कौन से नाम हैं जो कार्निवोरस रहते हैं, और वो कैसे अपने शिकार को करते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।